गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रगति क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो आज हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बिना देरी की हम लोग आज ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बट उसके कुछ हम लोगों ने थियोरी कंसेप्ट देखे थे। अब हम लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी बिना देरी के चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, मैंने बताया है तुम लोगों को। देखो मैंने दो टॉपिक लिखा है इसके ऊपर, दो टॉपिक बोर्ड के ऊपर लिखा है। देखो कौन कौन से, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, नीचे वाला बताऊंगा जब नीचे आऊंगा तब। ठीक है, अभी देखो क्या, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम से है उसको भी डरना नहीं है, कुछ नहीं। देखो सब कुछ मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले को और हिंदी मीडियम वाले को और कोई भी मीडियम हो उसको, सबको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना मतलब क्या। अभी देखो इसका एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते होंगे। देखो कोई भी संख्या मान लेता हूं, अभी तुम लोग बोल रहे हैं ये क्या बता रहे, तो देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते है। मान लेता ऐसा कोई नंबर है 573 × 245 × 728 × 342, इतना बड़ा नंबर है। अब तुम लोगों को इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी करके कुछ ऑप्शन दिया है। अब तुमको बोला है कि इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणनफल करने के बाद इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा। तुमको ए बी सी डी ऑप्शन दिया होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ तरीके का ऑप्शन दिया होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तुम लोग इतना मल्टीप्लाई करने जाओगे नहीं। हम लोगों को एग्जाम्स में बहुत बहुत कम समय मिलता है, हम लोग को तुरंत आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो इसका यूनिट प्लेस का नंबर, देखो इसका यूनिट प्लेस का कौन सा नंबर है 3, तो इसको लिखा इधर 5, 8 और इधर से 2, 3, 5, 8, 2 सबको लिखा, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3, 5 = 50। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15 है ना, 3, 5, 15। तो ये जो नंबर है लास्ट का नंबर, 15 पूरा लेना नहीं, इसका लास्ट का नंबर अब क्या हो जाए, 15 है तो 15 के लास्ट में क्या 5, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 अटे कितना हुआ 40, तो 40 के लास्ट में क्या 0, तो 0 × 2 तो 2 है ना, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 × 2 क्या हो जाएगा 0 × 2 2 × 0 0। ठीक है, 2 × 0 0 तो इसका इकाई के अंक में क्या आया, इकाई, इकाई मतलब यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आया, इकाई में कौन सा नंबर आया, यूनिट प्लेस पे नंबर आया 0। समझ में आया क्या बोला, देखो नंबर इस तरीके का बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है, तुम लोगों को उसके यूनिट प्लेस का नंबर लेना है, यूनिट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इन केस नंबर डबल होते जा रहा है, मतलब 2 नंबर हो जा रहा है, 3 नंबर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो तुम लोग को उसका लास्ट का नंबर लेना है। क्या लेना है, उसके लास्ट का नंबर, जैसे इधर 3, 5, 15 तो 5 लिया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो कितना 40 हो गया, तो इसका लास्ट का नंबर कितना हो गया 0, तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 × 2 0। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देख लेते, मान लेते नंबर है 4 4 7 2 × 7 9 1 × 8 6 2, इस तरीके से नंबर, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो लास्ट का नंबर लो और बाद में ये, तो 2 1 जा 2, 2 × 2 ये 2 × 2 = 4। ठीक है, अगर नंबर बड़ा हो जाता तो क्या करता, अगर नंबर मान लेता हूं इधर ऐसा होता 7 होता। ठीक है, क्या होता 7, तो देखो क्या करता, तो 2 × 7 = 14, तो इधर कितना लिखता 14, कितना लिखता 14, तो 14 का लास्ट में क्या 4 है, तो ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता 4 × 8, तो इकाई में कितना आया, ये इकाई प्लेस है, कहां इकाई, इकाई मतलब यूनिट प्लेस पे, समझ में आ गया होगा। चाहे कैसा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, इसके लास्ट डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, बहुत सिंपल जाना है। ठीक है, देखो डरना नहीं, कैसा भी कितना भी बड़ा नंबर आए उसके लास्ट प्लेस के, यूनिट प्लेस के नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर 2 हो जाता है तभी भी हमको उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ लास्ट के नंबर को ध्यान देना, फिर वापस से उसके इकाई, इकाई वाले प्लेस पे जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 हो जाएगा तो भी एक नंबर को ही लेना है उसमें से, लास्ट वाले को। ठीक है, कैसा भी नंबर आए तुम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम इस तरीके के बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन रहेंगे, तुमको बोलेंगे इकाई का अंक, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, घातीय रूप। अभी क्या है ये घातीय रूप,
देखो घातीय रूप मतलब क्या, घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में इसका मतलब इस तरीके से होता है। जैसे देखो मान लेते हो 2 रेस टू 3 है, 2 का पावर 3 मतलब 2 का घन, 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका क्या आएगा आंसर, 2 दूना 4, 4 गुना 8। तो इकाई का नंबर एक ही नंबर है, मतलब इकाई का नंबर है, पर अगर मान लो नंबर आ जाता है बड़ा, कैसा नंबर आ जाता है, देखो इस तरीके का नंबर आ जाएगा 572 मान लेता हूं, और ऊपर आ जाएगा 443, ऐसा नंबर आ गया। अब तुमको बोला है घातीय रूप की संख्या दिया है और उसका इकाई का अंक ज्ञात करो, मतलब अब तुमको इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा पूरा इतना बड़ा, उसके बाद उसका लास्ट में इकाई प्लेस पे यूनिट प्लेस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं ना, इन हैंड करने में कितना समय लग जाएगा अगर हम लोग हाथ से करने जाएंगे तो। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, तो देखो कितना सिंपल है, चाहे नंबर कैसा भी हो तो हमको करना क्या है, हमको कुछ भी नहीं करना, चाहे इधर कुछ भी हो और इधर कुछ भी हो, कुछ भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला तुमको ये दिया हुआ है इस पावर को 4 से डिवाइड करो, इस पावर को 4 से भाग दो। पावर कितना, 443, देखो इधर करता हूं 443, 443 पावर है, उसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दिया तो कितना, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये 3 बचा मतलब इधर 0, भाग देने तो आता ही होगा, ठीक है। जब मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो 110 आया, और बचेगा कितना, नहीं आ रहा, देखो इधर कर लेता हूँ 443, बचेगा 3, तुमको नहीं समझ में तो इधर कर देते, देखो 4 एकम 4, 4 में 4 गए 0, ऊपर से 4 को उतारे, 4 एकम 4, 4 में 4 गए 0, ऊपर से 3 को उतारे, 3 तो नहीं आ रहा इसके लिए इधर 0, मतलब 3 बचा। देखो ये भाग दे गया, हमारे पास शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 3, और ये तो हमारा भागफल आया, क्वोशंट आया, ठीक है। तो तुम्हारे पास शेषफल कितना बचा, देखो भाग देने के बाद मैंने क्या बोला, जो भी इसका पावर होगा, जो भी इसका घात होगा, उसको किससे भाग दिया, 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के बाद किस क्या देखने का, शेषफल क्या बच रहा है, लास्ट में शेषफल 3 बचा, तो शेषफल जो बचा और इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2, तो इस 2 को क्या करना है, इस 2 का पावर कितना लेना है, जो बचा था शेषफल कितना, 3, ठीक है। अब इसको करता हूं, 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 3, तो मल्टीप्लाई करना मैंने तुम लोग को ऊपर पहले ही सिखाया, इसके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप में ये सिखा रहा हूं। तो देखो 2 गुना 2, 2 दुना 4, 4 गुना 8, ठीक है, नंबर बड़ा भी आ जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे एक और दूसरा नंबर ले लेता हूं, मान लेता हूं, समझ में आ गया क्या किया, देखो अभी और दूसरे एग्जांपल में और समझ में आ गया। देखो फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कोई नंबर है 576 ले लेता हूं, कैसा भी नंबर हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, और इधर ले लेता हूं, ले लेता हूं इधर 242 ले लेता हूं, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या बोला, इस तरीके का नंबर है। अब सबसे पहले हमको करना है क्या, सबसे पहले हमको करना है जो पावर है उसको 4 से भाग देना है। तो देखो 242 कितना, उसको 4 से भाग देता हूं, 4 से भाग दूंगा कितना आएगा, 4 6 24 और 0, 4 6 24 और 0, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा है, तो जो 2 बचा, शेषफल 2 बचेगा ना, इसको सॉल्व करूंगा, 4 6 24, 2 तो आता नहीं, तो 0 और 2 बच जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। तो मैंने क्या बोला, शेषफल कितना बचेगा उस पर ध्यान देना, शेषफल कितना बचा, 2, और ये इसके लास्ट में कौन सा है, 6, तो शेषफल इसके लास्ट में जो 6 इधर लिख दिया, शेषफल कितना बचा था, 2, तो 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 मतलब 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 कितना, 36, तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, यूनिट प्लेस पे आया 6। समझ में आया, कैसा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हमको करना क्या है, जो भी पावर होगा उसको किससे भाग देना है, हमको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचता है तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 था, शेषफल बचा था 2, तो हमने 6 का पावर कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो 6 का पावर 2 मतलब 6 गुना 6, इस तरीके से 6 6 36 मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आया, 6। ये तो सब में करना है। अब तुमको कहां थोड़ा सा चेंजेस करना है, चेंजेस नहीं करना है, क्या करना है मैं तुम लोग को ये बताता हूं। देखो क्या करना है, मान लेता हूं ऐसा नंबर आ गया, कैसा नंबर आ गया, मान लेता हूं, चलो हम लोग ऐसा नंबर पावर ले लेते 4, मान लेता हूं नंबर जो है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, नंबर आ गया तुम लोग को
2, 4, 7 इसका जो पावर है, इसका पावर आ गया 444। ठीक है, ऐसा पावर मैंने क्या बताया, सब में सेम प्रोसेस करना है। तो देखो इसको भी कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको भाग देना है। तो देखो 444 है, इसको अगर 4 से भाग दूंगा तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये पूरा भाग चला गया। तो अब बचा क्या, बचा कुछ नहीं ना, पूरा भाग चला गया, बचा तो 0। तो इस केस में क्या करना है, जब कभी भी किसी को भाग देने के बाद अगर वो पूरा भाग चले जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो हमको शेषफल 0 रहने नहीं देना। हमको करना क्या है, हमको देखो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। जब देखो इसको 4 से भाग दिया तो पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 हो रहा है। तो देखो ये जो नंबर था, इस नंबर को मैंने लिख दिया इधर, ये नंबर कौन सा था, 7, सबसे लास्ट पे 7 था। जब शेषफल 0 बचेगा, जब शेषफल 0 मतलब पूरा भाग जब होगा, उस समय की बात है, बस उस समय जब पूरा भाग हो गया तो उस समय डायरेक्ट पावर 4 ले लेना है। ठीक है, डायरेक्ट पावर क्या ले लेना है, 4। कब, जब क्या हो रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, जब पूरा भाग हो जा रहा है। तो 7 का पावर 4, तो 7 का पावर 4 मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये तो तुमको पता ही, कैसे करेंगे, 7 से 49, तो 49 के लास्ट में क्या है, 9, तो 9 से 63, 63 के लास्ट में क्या है, 3, 3 से 21, तो 21 के लास्ट में क्या है, 1। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आया, 1। तुमको बोल सकते हैं क्या उसके इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम लोगों को बता दिया, कब, दो, इसमें दो केस करना है, हमेशा सबको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 4, शेषफल 0 हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, तब हमको जो भी नंबर था इसके लास्ट में उसका पावर डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। और उसको 4 बार, 7 से 7 था, तो 7 का पावर 4, 7 7 7 7, 4 और मल्टीप्लाई करने का सब सिखाया, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा घात हो, उसको इसी तरीके से यूनिट प्लेस का नंबर, इकाई स्थान का नंबर ज्ञात करना है, और अगर कितना भी बड़ा घात का हो तो उसको इसी मेथड से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए तुम लोग उसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, बहुत चुटकी में आंसर आना चाहिए, एकदम चुटकी में आंसर, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते देखते क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा कि आंसर मारो, क्वेश्चन देखा एंड ऑप्शन देखा कि आंसर मारो, इस तरीके का क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे जो प्रीवियस क्लास है हमारा, इसका इसके पहले जो नंबर सिस्टम का प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें तुम लोग देख लो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो A का मान ज्ञात करो, भाज्य मतलब डिविजिबल। अगर ये जो नंबर है पूरा 11 से भाज्य है मतलब 11 से डिवाइड होता है तो A का मान, देखो A जो A है ना मतलब इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा, चाहे वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर। ठीक है, तो 11 से भाज्य होने के लिए, 11 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास दो क्या था, दो उसका की पॉइंट्स था, वो तुम लोगों को मैंने बताया था। अगर कोई भी नंबर 11 से भाग कब होगा, जब ये नंबर है, ये जैसे मान लेता हूं कोई भी नंबर, इसी में बताता हूं ना, छोड़ो, कब भाग होगा, जब उसके सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान के जो भी अंक होगा उसको जोड़ दो, विषम स्थान का जो भी अंक होगा उसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसका क्या करो, डिफरेंस करो, माइनस करो। अगर माइनस 11 से भाग हो जाता है या फिर 0 आता है तो वो नंबर 11 से भाग होगा। कैसे, देखो ये नंबर, पहले इसका तुम लोग को सॉल्यूशन बताता हूँ कुछ। देखो ये नंबर है, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, 738A6A6A। अब मैंने क्या बोला, 11 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या था, दो पॉइंट था। क्या पॉइंट था, पहले सम स्थान, सम मतलब इवन प्लेस, और विषम, विषम मतलब ऑड प्लेस। तो पहले विषम सम कौन सा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो सम स्थान, सम स्थान वाले नंबर, और ये विषम स्थान वाले नंबर, दोनों को पहले जोड़ दो। सम स्थान वाले क्या है, 7, 8 और 6, 7 + 8 + 6, समझ में आ रहा है क्या, सम स्थान, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सम स्थान है, चौथा भी सम स्थान है, दूसरा भी, समझ में आया, पीछे से गिनो चाहे आगे से गिनो। ठीक है, तो 7, 8, 6 कितना हो जाएगा, 7, 8, 6
जोड़ो तुम लोग 6 6 12 6 3 18 18 1 19 20 21 कितना जाएगा 21। अब विषम स्थान को जोड़ो, विषम स्थान क्या 3 a और a, मतलब 3 + a + a, तो कितना हो जाएगा 3 + 2a। समझ में आ गया, ये हो गया विषम स्थान का सम और ये सम स्थान का जोड़ा, ऑड स्थान ऑड वाला और इवन वाला सब नंबर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंस करना है, दोनों को डिफरेंस करो सम स्थान विषम स्थान का। देखो डिफरेंस कर देता हूँ, तुम लोग इससे इसको भी माइनस कर सकते हो, इसको इससे भी माइनस कर सकते हो। तो देखो मैं इसको इससे माइनस कर देता हूँ, 21 - 3 + 2a, समझ में आया, 21 - 3 + 2a, ब्रैकेट में पूरा नंबर था इसलिए ब्रैकेट देना पड़ा, दो नंबर था ना इसमें इस तरीके से इसके लिए ब्रैकेट देना पड़ा। अब मैंने क्या बोला था, सम स्थान को जोड़ो विषम स्थान को जोड़ो, बाद में क्या करो उसका डिफरेंस करो, माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो या तो जीरो आना चाहिए या तो ऐसा नंबर आना चाहिए वो 11 से 12, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, जीरो, तो मैंने जीरो ले लिया। तो देखो अब करता हूं, 11 - 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस, और ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये भी -2a, ठीक है, इधर जीरो, तो 21 में से 3 गया तो 18 - 2a, ठीक है, तो ये 18 क्या हो जाएगा उधर चले जाएगा, इधर क्या बचा -2a, तो क्या हो जाएगा 18 और ये प्लस है ना, तो इधर आके -18, तो माइनस माइनस कट गया तो 2a = 18, ठीक है, तो a = व्हाट आएगा, 2 9 18, ठीक है, तो कितना आंसर आया, a = 9, तो a = 9, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया, बहुत सिंपल था, नहीं पता है तुम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट विभाज्यता का नियम अगर नहीं पता है तो तुम लोग प्रीवियस क्लास में जाओ और उसको क्या करो, तुम लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखो, सब कुछ मैंने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया उसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो ये जो हमारा जो क्लास है ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से हमारा क्लास चलता है इसके लिए, तो इसके लिए मैं वन बाय वन लिख नहीं सकता, ये मानना ऐसा करना ऐसा करना। हमारे जो दूसरे भी क्लास चलते हैं वो हमारा जो क्लासेस मेनली जो हमारे बोईसर में जो क्लासेस चलते हैं उस हिसाब से नॉर्मली उस क्लासेस में जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में लिखना होता है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, पर ये जो क्लासेस चलते हैं रीजनिंग के और एप्टीट्यूड्स के मैथ्स के ये जो क्लासेस है वो हम लोग एग्जाम्स के हिसाब से चलते हैं, तो फटाफट हमारा आंसर चुटकी में आना चाहिए, ठीक है, इसके लिए मैं पूरा एकदम सीरीज वाइज नहीं लिखता, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। अभी देखो तुम लोग को इसका आदत डालना पड़ेगा, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो ये आदत तुम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये तो समझ में आ गया होगा सबको, 11 से डिविजिबिलिटी होने के लिए हमारे पास दो पॉइंट कौन सा था, सम स्थान और विषम स्थान को क्या करना है, एड जोड़ने के बाद माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, जीरो या फिर 11 से भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो नंबर है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो, इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये नंबर देखो, नंबर क्या है 5263 और इसका पावर है 821, ठीक है। अगर कितना भी बड़ा पावर हो कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो भी पावर है 821 उसको किससे भाग देना है, उसको 4 से भाग दे दो चुपचाप, 4 × 8 821 पावर था ना, इसको 4 से भाग दे दो, 4 × 8 कितना बचा, 2 बचा, 2 नहीं आता इसके लिए तो 0, इसको 1, 4 × 5 = 20, 1 बचा, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल जो है रिमाइंडर जो है वो 1 बचा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसका यूनिट प्लेस का इकाई, इसका इकाई स्थान का जो अंक, इकाई स्थान का अंक क्या है 3, तो 3 का पावर लो, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 का पावर 1 = 3, तो इकाई स्थान का अंक 3 है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस इकाई स्थान का नंबर है, समझ में आ गया, तो तुमका आंसर आया 3, तो 3 का ये समझ में आ गया। इसका भी मैंने कंसेप्ट थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में पहले बताया, ठीक है, तुम लोग को नहीं आता तो थोड़ा सा वीडियो को बैक जाओ और पीछे जाने के बाद तुम लोग देखो, तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे को सॉरी है इसके लिए जगह थोड़ा कम है, फिर भी मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो देखो क्या है, तुम लोग को इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन है देखो, 3 के 4 क्रमागत गुणज का योगफल 162 162 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो क्या बोल रहा है, 3 के 4 क्रमागत गुणज, क्रमागत मतलब लाइन से वन बाय वन। अभी देखो 3 के 4 मतलब क्या, पहला नंबर है 3 और उसके आगे का नंबर क्या होगा, मान लेता हूं पहला नंबर 3 है तो उसके आगे का जो मल्टीप्लीकेशन है क्या आएगा 3 है, तो दूसरा क्या आएगा 3 × 2, 3 × 6, तो दूसरा क्या आएगा और 3 बढ़ेगा 6 × 3 = 9, उसके बाद क्या बढ़ेगा और 3 बढ़ेगा 12, फिर और 3 बढ़ेगा 15। तो मान लेता हूं पहला जो नंबर है वो x, मैंने मान लिया अपने मन में पहला नंबर था x,
तो उसके चार क्रमांक, तीन के चार मतलब ये पहला होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस थ्री, तीन बढ़ेगा ना, तीन का मल्टीप्लिकेशन तो तीन तीन बढ़ेगा, तो पहला x x हुआ, दूसरा x प्लस थ्री, तो तीसरा क्या होगा x प्लस तीन प्लस तीन मतलब x प्लस छ, और तीसरा क्या होगा छ छ तीन नौ मतलब x प्लस नौ, क्या हो गया तीन तीन बढ़ा x x प्लस तीन, फिर तीन में और तीन बढ़ा तो x प्लस छ, तो और तीन बढ़ा तो छ तीन नौ तो x प्लस नौ। ये सबको चार क्रमागत गुणज का योगफल, गुणज मतलब मल्टीप्लीकेशन, तीन तीन ऐड होगा गुणज मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो का गुणज क्या होगा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसका जो योगफल है जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका योगफल मतलब एडिशन कितना होना चाहिए 162 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 162, ठीक है, तो उसका आंसर 162। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो पहले मैं x निकाल लेता हूं, x x x x चार x है मतलब 4x, तीन छह तीन नौ, नौ और नौ अठारह, तो प्लस अठारह ठीक है एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, इधर 162 है ठीक है, 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 162, देखो इधर लिख रहा हूं 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 162, ठीक है। अब मेरे को x निकालना है तो 18 को वहां भेजना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 162 में से 18 प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, 162 में से 18 तो कितना बचा, 162 में से पहले 20 माइनस कर दो, 152 142 और दो और मतलब 144 बचा, ठीक है 162 में से 18 गया तो 144 इधर कितना 4x, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 4 3 12, 2 बचता है 4 6 24, तो x का वैल्यू 36 आया, देखो इसमें 36 है 36 नहीं छोड़ जाऊंगा ना कुछ भी आया 4 3 12 2 और 4 6 24 36 आया, बट तुमको क्या बोला बड़ी संख्या, क्या बोला है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होता है बड़ी संख्या, ये सब छोटा था उसके बाद सबसे बड़ा x प्लस 9 है, तो बड़ा संख्या क्या है x प्लस 9, तो x प्लस 9 मतलब 36 प्लस 9, तो 36 प्लस 9 कितना होगा 36 और 46, 46 में कम 45, मतलब बड़ी संख्या कितना है 45 है, 45 का ये है 45, समझ में आ गया होगा ठीक है। तो इस तरीके के एकदम मस्त से मस्त क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तुम लोग को विद इन सेकंड एकदम तुरंत देखते ही आंसर तुम लोग को आ जाना चाहिए ठीक है। तो तुम लोग को अगर इसके कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो वीडियो पीछे लेके जाके तुम लोग देख सकते हो, और डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है तो हम लोगों ने इसके पहले का प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, उसको भी तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो ठीक है। और इसके बाद के और कुछ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कराता नहीं हूं मैं ठीक है, तो जैसे अलग अलग टाइप के हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग हमारे क्लास में लेक्चर में करवाएंगे ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को कराऊंगा, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करो घर में, और जो इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो प्रीवियस वीडियो वो तुम लोग अच्छी तरीके से देखना है ठीक है। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम ठीक है। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा है रियली तो तुम लोग उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करो, उससे क्या होगा जब कभी भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले तुम लोग को उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में आ जाएगा ठीक है। जितना भी तुम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ ठीक है, समझ में आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।